मैं हुरान बदर और आप देख रहे हैं कार को। तो आज इस गाड़ी का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ। वो HR-V है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो इसका रिव्यू करेंगे आज। इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर इसकी प्राइस सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो में साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रंट लुक की बात है गाड़ी के, फ्रंट लुक आप देख सकते हैं क्योंकि एक न्यू जनरेशन की गाड़ी है और इसके फ्रंट लुक पर आप सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर यूनिक चीज़ नजर आएगी वो आपको इसकी जो कि फ्रंट ग्रिल नजर आएगी। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट लुक के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अगर इसकी मैं हेडलाइट की तरफ दिखा दूँ जो कि LED के अंदर आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी की आपको LED मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ भी ये देख सकते हैं आपको जो कि इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे आपको जो कि इसके DRL का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट लुक की बात है, इसके जो कि फ्रंट ग्रिल है इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग है अब से प्रीवियस मॉडल है जितने भी, उसके अंदर जो कि ये डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है जो कि मार्केट में आया है। उसके अलावा अगर इसके जो कि फ्रंट का डिफ्यूज़र बम्पर है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कि एक शहद की मक्खी का छत्ता भी, और इसके अंदर देखें आप पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया। उसके अलावा आपको जो कि फ्रंट के जो कि ग्रिल है इसके अंदर यहाँ पे आपको जो कि कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपको जो कि फॉग लैंप का जो कि वो भी LED के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। HR-V की साइड प्रोफाइल की बात है, साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जहाँ तक इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं, इसके फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलता और ये देख सकते हैं आप फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको जो कि पियानो ब्लैक जो कि आपको पूरी गाड़ी के इर्द गिर्द आपको जो कि इसके पियानो ब्लैक के पीस मिल जाते हैं जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं, फ्रंट टायर आपको जो कि 17 इंच का मिल जाता है, उसके साथ अलॉय व्हील आपको जो कि डार्क ग्रे कलर में मिल जाता है। उसके अलावा जो कि इसका फ्रंट डोर है उसकी बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो कि बैक व्यू मिरर है ये आपको बॉडी टोन में मिल जाता है विद LED माउंट इसके अंदर ही, तो ये रिट्रैक्टेबल में। इसके अलावा अगर इसके डोर हैंडल्स की बात कर लें तो ये भी आपको जो कि बॉडी टोन के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप इसके जो कि फर्स्ट डोर सेकंड डोर इन सब के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको जो कि नीचे पियानो ब्लैक का जो कि पीस मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इसके जो कि रेयर डोर है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो कि डोर हैंडल है ये देख सकते हैं आप, ये आपको जिस तरह के सुजुकी वितारा हो गया, सुजुकी स्विफ्ट हो गया, मतलब जितने भी और नए वेरिएंट आ रहे हैं वो डिज़ाइन आपको जो कि इसके रेयर डोर के अंदर मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। HR-V की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, HR-V की बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको जो कि शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्पॉइलर का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही यहाँ हाई माउंटेन लैंप मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो कि बैक स्क्रीन वॉशर मिल जाता है और ये देख सकते हैं जहाँ तक इसकी बैक लाइट की बात है तो ये सारी आपको यहाँ से जो कि बैक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है HR-V के अंदर। यहाँ पे जो कि होंडा का लोगो और यहाँ HR-V का आपको जो कि लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसका जो कि बैक कैमरा मिल जाता है। अगर इसके हम जो कि रेयर का डिफ्यूज़र बम्पर है ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पूरा जो कि पियानो ब्लैक का यूज़ किया हुआ मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि दो रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, HR-V की बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इसके बूट की तरफ भी। तो सबसे पहले अगर इसकी बूट स्पेस की बात कर लीजिए तो जो कि होंडा HR-V की बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो कि सीट्स को आगे फोल्ड करने की ज़रूरत है, अगर मतलब आपके पास उसके बाद भी कैपेसिटी कम पड़ जाए तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो कि स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये भी आपको अलॉय व्हील के अंदर ही मिल जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिसाल तौर पर अगर आपके पास इसकी बूट स्पेस कम है तो ये देख सकते हैं आप इसको यहाँ से इसके जो कि हुक्स हैं इसको ऊपर की तरफ पुल करके ये देख सकते हैं आप इसको एक पूरा का पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि रख सकते हैं। उसके अलावा इसके जो कि बूट के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे जो कि आपको LED की जो कि लाइट्स पीछे ही मिल जाती हैं। यहाँ तक गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट की बात है, गाड़ी की जो कि फ्रंट कैबिन है इसके अंदर एंट्री की बात कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं इसके अंदर एंट्री आप देख सकते हैं, इसके अंदर लेग रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है और इसके अंदर हेड रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो जो कि फ्रंट की एंट्री और एग्जिट है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसके लेग रूम भी आप देख सकते हैं, इसके हेड रूम में भी आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसकी जो कि रेयर सीट की कैपेसिटी की बात है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके जो कि रेयर साइड पर कैपेसिटी की बात है तो रेयर सीट की कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप लेग रूम भी देख सकते हैं और हेड रूम भी आपको जो कि काफ़ी स्पेस मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको जो कि यहाँ पे सेंटर में देख सकते हैं जो कि आपको एक आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, दो कप होल्डर के जो कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके अलावा ये देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाऊँ इस HR-V का, तो ये देखें इसकी आप अगर जो कि सीट है आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप इसको फोल्ड करना चाहें तो ये देखें आप इसको जो कि ऊपर की तरफ फोल्ड करके मतलब इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो कि इसको दोबारा आपने इसको एडजस्ट करना है तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रिकी है थोड़ा सा, इसको देख लें कि यहाँ पे इसका जो कि हैंडल है इसको ना यहाँ नीचे की तरफ प्रेस करना है, यहाँ नीचे की तरफ प्रेस करके जो कि इसका हैंडल है इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये देखें दोबारा इसकी जो कि अपनी जो कि सीट के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तक HR-V के डोर्स की बात कर लेते हैं और इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बहरहाल इसका जो कि डोर है देख सकते हैं आप इसको जो कि टू टोन के अंदर मिल जाते हैं बेज और ब्लैक के अंदर। तो जो कि आपको जिसका डोर हैंडल है ये आपको जो कि प्लैटिनियम क्रोम के अंदर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो कि बैक व्यू मिरर की सेटिंग मिल जाती है, ये रिट्रैक्टेबल का बटन और ये जो कि इसके डोर अनलॉक और इसके जो कि विंडोज़ लॉक अनलॉक का। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि इसका जो कि पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रैक्जिन यूज़ की गई, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, इसके अंदर आप बॉटल वगैरह होल्ड करने के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो कि इसके स्पेस मिल जाती है डोर में।
तो जहाँ तक HRV के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, HRV का इंटीरियर आप देख सकते हैं आपको जो है टोटॉन के अंदर मिल जाता है। और जहाँ तक स्टेयरिंग की बात कर लें, ये आपको 3 स्पोक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि एक एयरबैग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, और एक आपको फर्स्ट जो कि पैसेंजर उसकी साइड पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको एक एयरबैग यहाँ पर मिल जाती है, एक इस जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, और एक एंड जो कि फ्रंट पैसेंजर है उसके लिए मिल जाती है। इसके जो कि सेंट्रल यूनिट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर इसके हैजर्ड लाइट का बटन मिल जाता है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो जहाँ तक ये देखें, यहाँ पे आपको जो कि वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप गियर नॉब इसकी देख सकते हैं, जो कि होंडा सिविक RS टर्बो सेम इसका डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि यहाँ 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ इकोनॉमी का, यहाँ हिल डाउन असिस्ट का। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो पार्किंग का बटन मिल जाता है। तो जहाँ तक इसके आर्म रेस्ट की बात कर लें, तो आर्म रेस्ट आपको देखें यहाँ पे रैक्जीन के अंदर मिल जाता है, और स्पेस इसके अंदर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा इसके जो कि ग्लव बॉक्स की बात कर लें, तो ग्लव बॉक्स में आप देख सकते हैं स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो कि USB केबल वगैरह, ये सारी आपको ऑक्स केबल वगैरह के लिए ऑप्शन आपको इसके जो कि ग्लव बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है। और इसके जगह फ्रंट कैबिन के सनशेड्स की बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं एक वैनिटी मिरर आपको इस साइड पर मिल जाता है, और एक आपको वैनिटी मिरर इस साइड में मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके जो कि फ्रंट कैबिन की लाइट्स दे सकते हैं, ये आपको जो कि डोर्स के साथ भी, और इसको मैन्युअली भी आप चला सकते हैं। जहाँ तक HRV की बात कर लेते हैं, इसके रिमोट से देखें यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक 2 बटन मिलते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, की इसकी जो कि बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे जो कि आपको एक बटन मिल जाता है, इसके अंदर आप इसको प्रेस करके जो कि इसकी की को निकाल सकते हैं, दोबारा इसको यहाँ पे करके प्रेस करके आप जो कि रिमोट को वैसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसके जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, वो आपको दिखाता हूँ, और जो कि इसके थीम्स वगैरह यूज़ किए हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो कि यूज़ किया गया, वो सब आपको दिखाता हूँ। तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको MID डिस्प्ले मिल जाता है, और लेफ्ट साइड पे आपको जो कि RPM मीटर मिल जाता है। जितने भी इसके जो कि नोटिफिकेशन है वो आपको बीच में MID डिस्प्ले में मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके ये आप देख सकते हैं, ये आपको मीटर के अंदर भी आपको शो हो जाएगा कि गाड़ी किस गियर में एंगेज है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो कि बैक व्यू कैमरा है, उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो कि इसकी AC की है कूलिंग, वो भी चेक कर लेते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, इसकी थ्रो भी चेक कर लेते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त है इसकी जो कि फ़ैन की कूलिंग भी हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो बाकी ओवरऑल इसके जो कि इंटीरियर की आपको लुक दिखा दी मैंने, और एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि इसकी जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी जो कि ब्राइटनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अभी ये मैं और कम करूँगा तो बिल्कुल ही मद्धम हो जाती है, बहरहाल इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि नज़र भी आ जाए। बाकी इसका जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर इसके जो कि कंट्रोल देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर ये जो इसके एप्लीकेशन वगैरह हो गए, इसके जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो कि इसकी क्वालिटी है। CHR का जो कि इंजन की बात कर लेते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जो कि इसका इंजन की बात कर लें, यहाँ पे जो कि आपको 1.5 लीटर के अंदर आपको इसका इंजन मिल जाता है। इंजन को आप इसके एडजस्टमेंट वगैरह सब देख सकते हैं, बाकी इंजन की क्वालिटी भी आपको मैंने दिखा दी है। बाकी होंडा आपको जिस तरह के पता है कि होंडा की जो कि फुल एवरेज है वो जो कि बाकी जो कि इसके कंपेटिटर हैं उसकी निस्बत ज़्यादा ही होती है। जहाँ तक HRV की प्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी। इसके अलावा अगर इसकी जो कि फ्यूल एवरेज की बात कर लें, जो कि गाड़ी आपको लॉन्ग के ऊपर 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देने की साइज रखती है। ओवरऑल गाड़ी के मैंने आपको प्राइस, स्पेसिफिकेशन, इसके फ्रंट लुक, इसकी बैक लुक, इंटीरियर और सब कुछ दिखा दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि होंडा का जो ये वाला मॉडल है आपको पसंद आया है या नहीं आया, अगर आया तो कैसा लगा है, तो आप जो अगर इसको नंबर देंगे तो 10 में से कितने देंगे। तो ये था आज का रिव्यू, अगले रिव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।